मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज आपको बता दें यूपी के लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव से लेकर कानपुर तक भारी बारिश की चेतावनी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश से मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की फिर संभावना है। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, जालौन, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ साथ भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका इन जिलों में जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है। आपको बता दें आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ समय के लिए यहां भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आसमान से जैसे कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश, कहीं रिमझिम बारिश, कहीं आपको बता दें मध्यम बारिश से अधिकांश शहरों में भीषण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। तीन शहरों गोरखपुर, जौनपुर और देवरिया में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बस्ती, महाराजगंज, ललितपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में भी बेहद भारी बारिश हुई है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में आपको बता दें सुबह से ही बादल छाए हैं। दिन भर रह रहकर मूसलाधार बारिश, कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। प्रदेश के 76 जिलों में से 15 शहरों में 15 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इनमें जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, ललितपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, मऊ, संत कबीर नगर व झांसी शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने आपको बता दें आज से 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ मौसम विज्ञान विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका है। इसी बीच आपको बता दें कि देश के बहुत से राज्यों में आपको बता दें अभी भी बारिश का दौर बना हुआ है। अभी भी इन राज्यों में मानसून अपने अंतिम दौर में चल रहा है। इसी के तहत आज देश के 20 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में आपको बता दें कि आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यूपी, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के अनेक राज्यों में आज से अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में निम्न दबाव की स्थिति तेजी से यूपी की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कल तक दक्षिण पश्चिमी यूपी में डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। इसके बाद आपको बता दें कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है और 2-3 दिनों तक मानसून ऐसे ही सक्रिय रहेगा।